हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं उठी हूँ जी, तकरीबन 10-10:30 का टाइम है और बस तबीयत आज बिल्कुल सेट नहीं है और मॉर्निंग हो गई है। आज मौसम बाहर का बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब कि धूप नहीं निकली हुई है, तो आज हम सारा दिन बस बिस्तर में ही रहने वाले हैं। तो मैंने बोला कि आप लोगों से अस्सलाम वालेकुम कर दिया जाए और आपको बता दिया जाए कि आज का आपके साथ आज के दिन की रूटीन शेयर की जाए। तो चलें जी, अब मैं उठती हूँ, मुँह हाथ धोती हूँ और अच्छा, मेरे फेस पे आपको मेकअप नज़र आ रहा होगा, ये मेकअप नहीं है, ये फ़िल्टर है। ये मैं फ़िल्टर में वीडियो बना रही हूँ, इसलिए आपको लग रहा है कि मैंने मेकअप किया हुआ है। तो अभी मैं मुँह धोती हूँ, मुँह धो के तो मैं नाश्ता करती हूँ, नाश्ते पे आपको मिलती हूँ, तब तक ले करती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। अभी मैं दोबारा फ़िल्टर में आ गई हूँ, मुझे फ़िल्टर में बनाना वीडियो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आज मेरा मस्ती करने का दिल कर रहा है, मतलब कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अपनी वीडियो में ख़ुद बता रही हूँ कि मैं फ़िल्टर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कैमरा जो है ना, वो फ़िल्टर वाला यूज़ किया हुआ है और मैं कर रही हूँ, और इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर भी फ़िल्टर यूज़ कर, नहीं बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं करते हैं, मतलब कि बहुत लोग फ़िल्टर यूज़ करते हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर के पास तो बड़े प्यारे प्यारे बड़े बड़े कैमरे होते हैं, और मेरे पास इतना प्यारा कैमरा नहीं है तो मुझे फ़िल्टर यूज़ करना पड़ता है, तो मैं करती हूँ, क्यों ना करूँ, मेरा फ़ोन मेरी मर्ज़ी। तो चलें जी, मजाक का मूड हुआ हुआ था, सुबह सुबह मस्ती सजी हुई थी क्योंकि आज का मौसम भी इतना प्यारा है। तो चलें जी, जाने का दिल नहीं कर रहा लेकिन फिर भी जाना तो है, नाश्ता करना है, भूख लगी हुई है। अच्छा, जाने से पहले मेरी आप सबसे हर बार, तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो प्लीज़ 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 जो जो मेरे चैनल पर नए आए हैं उनको सबसे पहले तो वेलकम जी, आप लोग मेरे चैनल पर आए, आपको बहुत ढेरों सलाम, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप मेरे चैनल पर आए। और प्लीज़ 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 जो मेरे चैनल पर आकर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उनसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है जी कि मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, मुझे आपकी हेल्प मिल जाएगी, मुझे आप मुझे एक सपोर्ट कर दोगे तो आपको नेकी मिल जाएगी और आपकी नेकी मेरे काम आ जाएगी। तो मुझे नहीं पता मैं क्या बातें कर रही हूँ क्योंकि मैं इस टाइम बस बातें करती जा रही हूँ, कोई समझ नहीं आ रही है कि क्या बात। तो चलें जी, रिक्वेस्ट भी कर लिया है, आप लोगों को बता भी दिया है कि मैं फ़िल्टर यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों को मैंने बता भी दिया कि मैं फ़िल्टर में वीडियो बना रही हूँ, मतलब कि मैं फ़िल्टर लगा के वीडियो बना रही हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैंने कोई मेकअप नहीं था किया हुआ, तो मैं फ़िल्टर लगा के आप लोगों के सामने आई हूँ। तो चलें अभी चलते हैं, दिन की रोटी से कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी, छोटी सी वीडियो बनाऊँगी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊँगी, बल्कि यहाँ पर 3-4 मिनट तो मेरे यहाँ पर गुजर गए हैं। तो चलें जी, आज का दिन की रूटीन बताती हूँ आप लोगों को और फिर वापस आके आपसे मिलती हूँ, और फिर शायद की बात है कि वापस यहाँ पे ही आप लोगों वीडियो का एंड भी करूँ, क्योंकि सारा दिन में क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि आज सारा दिन मैं घर पे ही हूँ। ओए सच, जाने से पहले मुझे याद आ गया कि मैंने आप लोगों को अपनी एक चीज़ नहीं दिखाई जो आजकल में मैंने नहीं ली है, तो मैंने वो आपको दिखाना तो भूल ही गई थी, तो मैं अभी जल्दी से आपको वो दिखा देती हूँ जी। ये देखें, ओहो यहाँ पे तो अंधेरा आ रहा है, ये यहाँ पे ये जो रैक है ना, ये वाला, ये मैंने अभी न्यू लिया, मैं दूसरे कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, ये वाला रैक मैंने नया लिया है और ये मैंने बिल्कुल अपने बेड के पास लगाया है। यहाँ पे मेरा चोचू शाह, मुन्नू शाह जो है ना, वो मेरा भालू है, और ये तस्बीह पड़ी हुई है, ये मैं रात में तस्बीह पढ़ती हूँ, अनेक काम भी साथ साथ ही जी, नमाज भी पढ़ती हूँ, तस्बीह भी पढ़ती हूँ, और ये मेरा चोचू शाह मुन्नू शाह है, और यहाँ पे मेरे यहाँ पे ड्राई फ्रूट पड़े हुए हैं, बादाम और अखरोट एंड ये इसको क्या कहते हैं, रेवड़ी। तो ये रेवड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं, बाकी तो अभी अखरोट भी थोड़े से हैं और बादाम काफ़ी ज़्यादा हैं। ये मैं जब बैठती हूँ ना यहाँ पे आके तो मैं खाती रहती हूँ। ये मेरा बॉक्स जो है ना, बड़ा कीमती बॉक्स है, और यहाँ पे मैंने चार्जिंग लगाया हुआ है, जैसा कि आपको पता है कि चार्जिंग के बगैर तो यहाँ पे कुछ भी चलता ही नहीं है, और वो मेरी पीछे जो पड़ी हुई ना, वो पड़ा हुआ जी, हाँ जी, वो रिंग लाइट पड़ी हुई है, और यहाँ पे मेरा ये रैक है, इसमें मैंने यहाँ पे पता क्यों लगाया है कि मेरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं रखना चाहती हूँ, जैसे कि चार्जर वगैरह हो गए, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो मैं यहाँ पे, फिर मुझे यहाँ पे ना सारा कुछ रखना पड़ता है बेड पे, तो वो बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पे देखें जी, मेरा केक भी पड़ा हुआ है, ये मैं केक रात में जब मुझे ज़्यादा भूख लगती है ना, फिर मैं ये केक खाती हूँ, और यहाँ पे मेरी जेली,
और टॉफियाँ वगैरह भी पड़ी हुई हैं अंदर। और उसके बाद जी ये देखिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ, और यहाँ पे मेरी क्लासेस भी पड़ी हुई हैं जो कि मैं बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, और बाकी तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ इसमें, तो ये खाली है। ये यहाँ पे अभी ये मैंने कल कल लगाया ना, लेकिन एक दो दिन के बाद देखना ये फुल हो जाएगा, भरा जाएगा ये। तो ये मैंने बोला कि आप लोगों को ये भी दिखा दूँ। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पड़ी होती है ना, ये मैंने अभी ये सेल्फी स्टिक, ये भी उसी के अंदर ही पड़ी होती है। ये भी मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने इसको निकाला यहाँ से, तो मैंने ऑन किया हुआ था और अभी मैंने बंद कर दिया, तो अभी मैं बंद कर दिया तो मैंने फिर इसको इसके अंदर ही रख दिया आराम से। तो देखें सारी चीज़ें कवर हो गई हैं और मसला भी नहीं बना। और मेरी बातें लंबी होती जा रही हैं, वीडियो मुझे लगता है कि शॉर्ट होने वाली है, मेरी बातें लंबी होती जाती हैं। और चलें जी, अब तो जा रही हूँ मैं। अभी मैं नाश्ता करने लगी हूँ जी, अंडा ब्रेड चाय, आय हाय आय हाय आय हाय। तो चलें जी, जिसने करना है नाश्ता वो जल्दी से आ जाए और मेरे साथ आके नाश्ते को एंजॉय करें, गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म अंडा और ब्रेड। तो नाश्ते को ठंडा नहीं करते, वेट नहीं करवाते। तो चलें जी, मिलती हूँ किसी और चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय। तो ये जी मैंने रात में वीडियो बनाई थी, मेरे भाई हैं वो फ्रेश मछलियाँ पकड़ के लाए थे दरिया से, तो उनके कोई जानने वाले हैं जी, वो सेल करते हैं, तो वो हमारे घर लेके आए और उन्होंने बोला जी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, आपने लेनी है तो ले लें। तो हमने यहाँ से चार मछलियां ली, दो हमने ली और दो हमारे नेबर हैं उन्होंने ली, और ये अभी ज़िंदा थी। ये आप देख सकते हैं, भाई अपने हाथ में पकड़े हैं, वो मुंह खोल रही है। अभी मैं आपको पूरी चेक करवाती हूँ, चेक करें। रात का टाइम है, अभी 9:30 बजे का टाइम हो गया है और हम सारे बाहर गली में खड़े थे, बहुत ठंड थी। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत बड़ी मछली है, तकरीबन 10 केजी की होगी और बहुत बड़ी मछली थी। और हमने छोटे पीस लिए थे, ज़्यादा छोटे भी नहीं थे और ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, 2-2 केजी का शायद होगा, केजी कहते हैं मुझे ये भी नहीं पता। तो ये देखें जी, ये मुँह खोल रही है, ये भी सारी ज़िंदा है। और यहाँ पे वो हमें साफ़ करके दे के गए और जो भी था सारा सिस्टम वो सारा करके दे के गए। और ये वाली सबसे मोटी थी और सबसे मज़ेदार सी थी। तो ये है जी हमारी फ़िश, इसके ऊपर बाजी ने मसाला लगा के रख दिया है। ये अभी तकरीबन 6-7 घंटे तक हम इसको मसाला लगा के रखेंगे और फिर ये मज़े मज़े की यमी सी टेस्टी सी बनेगी। अभी हुए हैं जी 11:30 का टाइम है और 11:30 बजे हमने इसको मसाला लगाया, अभी हमने इसको बनाना शाम में है। तो शाम में इसको जब बनाएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, देखेंगे जी कि कितनी मज़ेदार सी बनती है हमारी फ़िश। तो ये फिश मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि ये उस टाइम पे ज़िंदा थी जब हमने ये ली, फ्रेश पीस था, ज़िंदा थी। और अभी हमने इसको अच्छे से मसाला लगा के रख दिया है तकरीबन 4-5 घंटे के लिए। जितनी देर मसाला लगाएंगे उतनी ही अच्छी रेसिपी तैयार होगी। तो चलें जी बनाते हैं, तो फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे लिए अभी बन रही है फिश 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 फिश, अभी देखते हैं ये फिश कैसे बनती है और हम बैठ के वेट कर रहे हैं साथ में। देखिए मेरा हाल, आंखों से मेरा इतनी तेज़ तेज़ पानी आ रहा है ना कि ना ही पूछे। और यहाँ पे फ़िश तैयार हो रही है, पता नहीं कितना धुआं करेगी और ये फ़िश तैयार होगी। तो चलो जी, जब तैयार होती है ना फिर आपको। तो ये जी हमारी फ़िश बन रही है, अभी ग्रिल पे लगाई हुई है, देखें जी कि क्या होता है, बनती है यार कैसे रहती है। तो ग्रिल पे बंदा ला के छोड़ देता है, अभी इतना धुआं हुआ है, ये देखें धुआं ही धुआं, पूरे घर में धुआं हो गया है। तो मज़ा आ रहा है वैसे, लेकिन धुआं बहुत हो गया। अभी आपको फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ अपना आप। तो ये देखिए जी, इधर शदीद किस्म का धुआं, आंखों में पानी, और यहाँ पे बाजी लगी हुई है अपने मस्त हो के, उनको कोई परवाह नहीं है, धुआं निकलता है तो निकलता रहे। हम आगे ज़ुकाम लगा हुआ था मुझे, और ज़ुकाम से ना वो मेरा ज़्यादा ही बुरा हाल हो गया। अभी देखें ये देखें, तो ये उम्मीद बैठी हुई है जी, वो नाना वो बैठे हुए हैं और इतना प्यारा सा कलर आ रहा है ना फिश का के आप ना ही पूछें, बहुत प्यारा सा यमी सा। आज मौसम भी बार इतना प्यारा हुआ है, तो हम कोयले इसलिए जलाए हैं कि साथ में कोयले भी जलाते हैं और साथ में जी तेज़ मज़े मज़े के इंजॉय करते हैं। तो फिश का कलर देखें काफ़ी हद तक तैयार हो गई है, लेकिन बाजी ने वो हवा दी है ना तो धुआं बहुत ज़्यादा हो गया और आग भी तेज़ हो गई है, ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं बनाते हैं। उम्मे को देखें कवर कैसे होके बैठी हुई है, ओहो ज़्यादा तेज़ आग नहीं करो, थोड़ा ऊंचा करके रखो इसको। हाँ
तो बहुत बुरा हाल हुआ, आंखों से ऐसे पानी आ रहा है ना। चलो निकालो, अच्छा हम फर्स्ट टाइम ग्रिल पे लगा रहे हैं, हमने वैसे कभी भी नहीं लगाई ग्रिल पे, हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है जी ग्रिल में बनाने का, तो चेक करते हैं सही बन गई तो ठीक है, ना बनी तो नेक्स्ट फिर बनाएंगे तो फिर सही बन जाएगी, कैसा? तो ये यमी सी फिश जो है हमारी रेडी है, और आप चेक कर सकते हैं कि कितने अच्छे से ये बन गई है और बहुत सॉफ्ट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, तो जैसा कि अभी मैं फिर से रात हो गई है, बेड पे आ गई हूँ, चिप्स खाने लगी थी तो सोचा कि चिप्स की भी एक छोटी सी शॉट डाल दूँ, और ये मैं अभी चिप्स खाऊँगी यमी से टेस्टी से, और आप लोगों ने खाने हैं तो वेलकम, आप भी आ जाएं खा लें, और नहीं आना तो अपने अपने घरों में जाके बना के खा लें। तो चलें जी, मैंने यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करने लगी थी, तो मैंने यहाँ पे लास्ट में अल्लाह हाफिज़ रह गया था करने के लिए, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आप लोगों को चिप्स भी दिखा देती हूँ और साथ में आपको अल्लाह हाफिज़ भी कह देती हूँ। चलें जी, वीडियो का एंड करती हूँ। मेरी वीडियो आज की आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलती हूँ नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ, अपनी दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, और वहाँ उम्मे बैठ के भी अल्लाह हाफिज़ कर रही है, अल्लाह हाफिज़।